हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दिस एपिश वेयर वन इज 12 के। की हाल से सबके? सो गाइस, स्वागत है सबका एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि आज आ चुका है मतलब ग्रैंड पिक्स का जो राउंड टू है वो स्टार्ट हो चुका है। राउंड वन आई थिंक कल स्टार्ट था, तो कल मैंने वीडियो बना दिया था उस पर, और राउंड टू आज स्टार्ट हुआ, तो आज भी मैं उस पर गेम प्ले करके थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। सो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है सीजनल इवेंट पे, फिर यहाँ पे आपको ग्रैंड पिक्स मिल जाएगा। ये देख सकते हो राउंड टू जो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है कल तक ये ख़त्म हो जाएगा, फिर राउंड थ्री स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट मिलता है, तो सबसे पहले मैं इस पर ओवरक्लॉक एक्टिवेट कर लूँगा, क्योंकि इस बार जो है नॉर्वे में है, तो नॉर्वे में मेरा चांस है कि भाई ज़्यादा अच्छा क्या कहें टाइमिंग रहे। लास्ट टाइम जो राउंड वन का टाइमिंग था, मैं 1 पे था, उसके बाद मैं 5th पे चला गया था। बहुत सारे प्लेयर लोग ने ये कर लिया, ओवरटेक कर लिया था मेरे टाइमिंग को, और क्योंकि वो लोग मैनुअल खेल रहे हैं और मैं टच ड्राइव खेल रहा हूँ, तो मैनुअल में थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है टाइमिंग का और एयर स्पीड ये सब का। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पार्शियलिटी है कि आप टच ड्राइव का जो टाइमिंग है उसको सेपरेट और मैनुअल वाले को सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो बात यही है कि अगर कोई मैनुअल प्लेयर है तो वो जल्दी रेस कम्प्लीट करेगा इन कंपेरिजन विथ टच ड्राइव प्लेयर के। तो अभी मैं फिर से टच ड्राइव ही खेल रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में मैं इसको कंप्लीट करूँ, ताकि फिर आगे जाकर के मैं थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन दे सकूँ और बचे हुए कंपटीटर को। तो अभी ये नॉर्वे में हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 70% जो है रेस कंप्लीट होने वाली है, और टाइमिंग हो रहा है 40 सेकंड इंग्लिश से बोले तो। अब फिर यहाँ पर 360 हो जाना चाहिए, ये 360 नहीं हुआ गाइस, 360 जो है मेरे से मिस हो गया। अगर यहाँ पर मैं 360 कर लेता तो मेरा टाइमिंग और थोड़ा सा अच्छा हो पाता। 48 सेकंड में मैंने इसको कंप्लीट किया है, ऑलमोस्ट 50 ही रखो, सिर्फ कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस है। तो 3 अटेम्प्ट था जिसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक और दो और अभी बाकी है, तो एक बार और मैं अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि मुझको लगता है कि मैं टाइमिंग थोड़ा सा और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए एक बार और मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ये ट्राई कर लेते हैं। अभी ये 48 सेकंड, मतलब 50 सेकंड समझो कि 50 सेकंड में ये रेस कम्प्लीट हुआ है, क्योंकि लास्ट में जो 360 होना चाहिए था वहाँ पे 360 हुआ नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल कार जो है वो जंप कर गई थी। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 360 के साथ मैं इसको ये करवाऊँ। तो अभी ये आप देख सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा भूत अभी दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का, ये मुझको नेविगेट करता रहता है कि लास्ट रेस मैंने जो खेला वो कैसे खेला है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं है, अगर कोई और कॉम्पिटिटर मेरा खेलता है तो उसको भी वो शो होगा जो भी रूट मैंने यूज़ किया और कहाँ कहाँ मैंने 360 किया, कैसे बैरियर तोड़ लिया, सब उसको शो करेगा। और अगर मैं इससे आगे हूँ तो मेरा टाइमिंग थोड़ा सा बेहतर है, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, और अगर मैं इससे पीछे हूँ तो मेरा टाइमिंग थोड़ा सा बेकार चल रहा। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जंप के बाद मैं 360 करने की कोशिश करूँगा, ताकि 48 सेकंड का जो है ऑलमोस्ट 50 सेकंड है, तो उसको थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और ये आप देख सकते हो 47 सेकंड पे अब आ करके मैं रुका हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई हूँ इस टाइमिंग से, क्योंकि अटेम्प्ट बस एक लास्ट टाइम बचा है, ताकि अगर कोई और मुझको ओवरटेक करता है तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। वैसे उसके बाद 3 अटेम्प्ट के बाद ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझको टोकन देना पड़ेगा, तभी मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस में भी मैं पार्टिसिपेट करके मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस में मैं खेल रहा हूँ तो मैं कितना देर में ये रेस कंप्लीट कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस में आप खेलोगे तो आपको रिवॉर्ड भी देखने के लिए मिलेगा, आप ब्लू प्रिंट मिलेगा, क्रेडिट ये सब मिलेगा, जो इस रेस के बाद मैं बता दूंगा। बट पहले मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ, और एक गेम प्ले करके मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस में मैं कितना देर में ये रेस कम्प्लीट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ये देख लो गाइस, कार का थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, कार को भी मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फटाफट, ये देख लो काफ़ी तगड़ी कंपटीशन चल रहा है मी वर्सेस मी में, और यहाँ पर फटाफट इसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे बस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं आपको है, अगर आप प्रैक्टिस वाला खेलते हो तो। तो जानने के लिए गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं गाइस तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर उसको ज़बरदस्त 360 निकालना, और ये 360 फिर से मिस हो गया, और ये देख लो मेरा जो भूत था मेरे से पहले पहुँच गया, और 360 मुझसे यहाँ पर मिस हो गया है, और ये रेस 48 सेकंड में मेरा कंप्लीट हुआ है। तो
फिर से मैं ट्राई करूंगा और 48 सेकंड से कम टाइम में मुझे लगता है कि मैं 47 सेकंड से कम टाइम में कर सकता हूं, और थोड़ा सा पिकअप मिलना चाहिए क्योंकि तभी कार जो पिकअप करेगी। यहाँ पे ऑल कंडीशन कंप्लीट करोगे तो आपको ब्लू प्रिंट मिलेगा, फिर 40 की आपको क्रेडिट मिलेगा, फिर आपको ये एक पैक है वो मिल सकता है, एयर टाइम मिल देखोगे तो उसमें ही मिल जाएगा। आप अगर 47 सेकंड में रेस को बीट कर रहे हो तो 40 की आपको 3 बार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस के बाद अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझसे एक मिस्टेक हुआ, मुझको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करना चाहिए था मुझको। ये आप एक प्रो टिप्स आप ले लो, पहले प्रैक्टिस कर लो, 4-5 बार खेल लो, उसके बाद फिर आप जो है ये करो, मतलब मेन जो क्या कह सकते हैं अटेम्प्ट करो, अपना टाइमिंग आपका काफ़ी इंप्रूव रहेगा। सो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगों पे क्लिक करो, दूसरे वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करो, और टिप्स एंड टिप्स की वीडियो देखने के लिए गाइस प्ले लिस्ट पे क्लिक करो। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग रुमानिश चलगी गेमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा, और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।